नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 17 भारत। मैं हूं आपके साथ देवेश कुमार गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की खास खबरों की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुकरियाना मोहल्ले में दबंग हिस्ट्री सीटर बदमाश ने एक युवक की पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट कर दी। पीड़ित की बहन ने हिस्ट्री सीटर पर अपने भाई को गायब करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने शिकायती पत्र के साथ सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के मुकरियाना मोहल्ला निवासी सैफी बेगम ने एसएसपी कार्यालय में दिए शिकायती पत्र में बताया कि 9 जून को स्कूटी गाड़ी से उसके घर एक दबंग हिस्ट्री सीटर बदमाश आया और रुपयों के लेन देन को लेकर उसके भाई तारिक के साथ मारपीट कर उसे अपनी गाड़ी पर जबरन बैठा कर ले गया। घटना की घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता का आरोप है कि उसी दिन से उसके भाई का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वह अपने सारे रिश्तेदारों से खोजबीन कर चुकी है। पीड़िता ने कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायती पत्र दिया है। हमारे भाई को मारा, पीटा और उसको अपहरण कर लिया। उसका पता ही नहीं, उसे पता नहीं, उसको मार के पीट के उसके कहाँ फेंक दिया उसे। उसका भी 9 तारीख से आज तक कोई पता नहीं। कितने मारा आपके भाई? बंटी मकरानी दादा। कहाँ है ये? कौन है? ये मुकरियाने में रहते हैं। कौन है मतलब? ये हिस्ट्री टीटर हैं। इनके ऊपर पहले ही से 9 मुकदमे चल रहे हैं। तो किस बात को लेके रंजिश? क्या पुरानी कोई रंजिश कर ली? क्या पुरानी कोई रंजिश नहीं है। मेरे भाई से 20,000 रुपए मेरे भाई ने लिए। मेरे भाई 20,000 के 60,000 रुपए दे चुका। उसके बाद उससे 2,00,000 की मांग की और उसके साथ मारपीट की और उसका पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, अभी तक उसका कोई पता नहीं। कब हुई, कितने दिन पहले? 9 तारीख की वारदात है। हाँ, 9 तारीख को मारपीट की। तो आप कोतवाली आए थे? जी, कल आए थे कोतवाली हम। तो क्या हुआ, क्या कार्रवाई? कल कोतवाली में हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद आज हम एसएसपी साहब के पास गए। अब हमारी कार्रवाई शुरू की जाए। क्या आश्वासन दिया था एसएसपी साहब ने? हाँ, आपका काम होगा। तो आपका भाई कितने दिन से लापता? 9 तारीख से पता नहीं है। हमारे झूठी कार्रवाई की, हमारे आदमी का झूठा नाम लिखवाया, हमारे हस्बैंड का। वो सीधे साधे हैं, 3 दिन से घर में रुके हुए हैं। उनकी इतनी तबीयत खराब है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर हमारे आदमी को कुछ हो गया, हमारे बहनों ही साहब का नाम लिखाया गया, अगर उनको भी इस बीच कुछ हो गया, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? बंटी होंगे क्या? आपने सजा तो पर दे दिया? जी, दे दिया।